नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नोशाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओमनी स्टीम डैशबोर्ड के बारे में। ओमनी स्टीम एप्लीकेशन के बारे में आपने जरूर सुना होगा, बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। ओमनी स्टीम का इस्तेमाल करके आप अपने DSLR कैमरा या वीडियो कैमरा को अपने मोबाइल फोन से डायरेक्ट कनेक्ट करके 4K क्वालिटी में लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसके अलावा ओमनी स्टीम ऐप में आपको सेलुलर बॉन्डिंग की सुविधा भी मिल जाती है। ओमनी स्टीम एप्लीकेशन के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है, सीखना है, तो ओमनी स्टीम एप्लीकेशन की बहुत सारी वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। उन वीडियोस का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हो। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओमनी स्टीम डैशबोर्ड के बारे में। ओमनी स्टीम डैशबोर्ड से आप ओमनी स्टीम एप्लीकेशन को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो। मान लो आपका कोई न्यूज चैनल है जिसमें आपने अलग अलग रिपोर्टर्स को अलग अलग साइट पर भेज रखा है, तो आप अपने ऑफिस में बैठकर ओमनी स्टीम डैशबोर्ड से उनके ओमनी स्टीम एप्लीकेशन को कंट्रोल कर सकते हो, उनका फुटेज देख सकते हो, उनसे बात करना चाहो वो भी कर सकते हो। तो सिंपल आपको जाना है ओमनी स्टीम की वेबसाइट पर। यहां पर आपको अलग अलग प्लान्स देखने को मिल जाएंगे। मान लो आपको 3 बंदों का प्लान चाहिए, यानी मान लो आपकी 3 में 3 लोग हैं, आप चाहते हो 3 रिपोर्टर को अलग अलग भेजना, तो 3 वाला प्लान आप ले सकते हो। 10 बंदे हैं, 10 वाला प्लान ले सकते हो। तो अलग अलग प्लान्स यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपको सही लगता है वो प्लान आप यहां से सिलेक्ट कर लो, बाय कर लो। उसके बाद आपके ईमेल आईडी पर सारी डिटेल आ जाएगी। वहां पर आपको एक ओमनी स्टीम डैशबोर्ड का लिंक आपको मिलेगा, उसका एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। इसके अलावा जो यूजर उसके साथ लिंक हो रखे होंगे उनकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी आपको मिलेगा। तो यहां पर सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन पर ओमनी स्टीम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, और जो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिला था वो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड इसमें दे देना है और लॉगिन कर लेना है। इसी तरह से अलग अलग फोन पर आपको ओमनी स्टीम ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है अपने पीसी या लैपटॉप पर, और ओमनी स्टीम डैशबोर्ड का जो लिंक आपको मिला है उस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे यहाँ पर ओमनी स्टीम डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिला है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। अब यहाँ पर जैसे आप लॉगिन करोगे ओमनी स्टीम डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ओमनी स्टीम डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। सबसे पहले जब आप ओमनी स्टीम डैशबोर्ड में लॉगिन करते हैं तो आपको मिलता है क्लीन और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। यहाँ पर आप अपनी सभी लाइव डिवाइसेस, कनेक्शंस, बॉन्डिंग स्टेटस और स्ट्रीम हेल्थ को रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं। टॉप बार में आपको मिलता है डैशबोर्ड, मैप, इनवाइट गेस्ट और 10 फ्री ट्रायल गेस्ट इनविटेशंस का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। ओमनी स्ट्रीम डैशबोर्ड का पहला सेक्शन है डिवाइस मैनेजमेंट। यहाँ आप अपने सभी ओमनी स्टीम एनकोडर या बॉन्डिंग डिवाइसेस को देख सकते हैं। हर डिवाइस का स्टेटस वह ऑनलाइन है या ऑफलाइन है वो आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइव 1, लाइव 2, लाइव 3, यानी 3 डिवाइसेस की जो फीड है वो यहाँ पर हमें मिलने वाली है। हमने अपने 3 मोबाइल फोन में ओमनी स्टीम लाइव ऐप को लॉगिन कर रखा है। जैसे ही आप अपनी डिवाइस में ओमनी स्टीम ऐप को लॉगिन करते हो तो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का इंडिकेटर दिखाई देने लगता है। इसका मतलब ये है हमारी डिवाइस लाइव स्ट्रीमिंग के लिए रेडी है। तो यहां पर आपको अपनी हर डिवाइस का स्टेटस ऑनलाइन या ऑफलाइन तुरंत दिखाई देता है। अब यहां पर हमें कुछ बटन देखने को मिल जाते हैं। पहले वाले बटन को अगर आप क्लिक कर दोगे तो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। मान लो पहली वाली डिवाइस हमने सिलेक्ट कर रखी है और इस बटन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी डिवाइस यहां पर ऑनलाइन हो जाएगी, यानी हमारी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी और हमारी लाइव फीड यहां पर आनी स्टार्ट हो चुकी है। और यहां जो इंडिकेटर था ये रेड कलर में आपको दिखाई देने लगेगा। तो हमारी जो पहली डिवाइस है यहां पर हमारी लाइव हो चुकी है। इसी तरह से मान लो सेकंड डिवाइस की लाइव हमें चाहिए तो इसे मैं क्लिक करूंगा, यहां पर प्ले करूंगा, सेकंड डिवाइस का हमारा यहां पर फुटेज लाइव फीड आने लगी। उसके बाद थर्ड को भी हम इसी तरह से यहां पर ऑनलाइन कर सकते हैं, यानी अब हमारी तीनों डिवाइस यहां पर लाइव हो रखी हैं। हमारी जो लाइव फीड है यहां पर हमारे डैशबोर्ड पर आ रही है। इन डिवाइसेस को हम यहां पर पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहां से हम किसी भी डिवाइस की लाइव स्ट्रीमिंग को स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर एक माइक का सिंबल आप देख रहे हो, यानी आप अपने ओमनी स्टीम डैशबोर्ड से अपने किसी भी रिपोर्टर से जो डिवाइस को लेके गया हुआ है उस बंदे से आप डायरेक्ट यहां से बात कर सकते हो। उसके लिए सिंपल आपको सबसे पहले यहां पर माइक्रोफोन सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका पीसी का माइक्रोफोन है वो यहां से सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद मान लो इससे मुझे बात करनी है तो यहां पर आपको एक हेडफोन का सिंबल दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो आपका डिवाइस मैनेज कर रहा है, जो आपका रिपोर्टर है, उसे हेडफोन लगा लेना चाहिए। अगर वो हेडफोन लगा लेगा तो आपकी जो बातचीत
है वो सिर्फ उसी को सुनाई देगी, और अगर हेडफोन वो नहीं लगाएगा तो आपकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है, जो लाइव स्ट्रीमिंग डिवाइस है, उसके स्पीकर से ऑडियो बाहर जाएगा, जिससे आपका ब्रॉडकास्टिंग जो है, लाइव स्ट्रीमिंग है, वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो जो आपका रिपोर्टर है उसे हेडफोन लगाना जरूरी है, जिससे कि जो आपकी बातचीत है वो और किसी को सुनाई ना दे और लाइव स्ट्रीमिंग डिस्टर्ब ना हो। अब उससे बात कैसे करनी है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ माइक्रोफोन का जो सिंबल है ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है। अब इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, आप लगातार माइक्रोफोन को इस तरह से दबा के रखोगे, और जब तक आप इसे दबा के रखोगे, होल्ड करके रखोगे, आप जो बात करोगे अपने माइक्रोफोन से वो आपका ऑडियो आपके रिपोर्टर तक पहुँचता रहेगा, और जैसे ही आप इसे रिलीज करोगे तो आपका ऑडियो जाना बंद हो जाएगा, माइक आपका म्यूट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो अपने माइक्रोफोन को लगातार एक्टिवेट रखना, तो उसके लिए यहाँ पर जो लॉक का बटन दिया गया है इसे एक बार आप प्रेस कर दोगे तो आपका माइक्रोफोन लगातार ऑन रहेगा और आपका जो ऑडियो है वो आपके रिपोर्टर तक पहुंचता रहेगा। तो ये चीज़ बेसिकली बहुत काम में आने वाली होती है। मान लो आपका कैमरामैन है, कोई रिपोर्टर है, अगर कहीं कोई इंटरव्यू कर रहा है किसी का, और बीच में आपको कोई अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, तो वो आप यहाँ से बहुत ही आसानी से दे सकते हो। जब भी माइक्रोफोन को ऑफ करना हो, यहाँ से आप माइक्रोफोन को ऑफ कर दो और यहाँ से इसको भी ऑफ कर दो। तो ये फीचर भी काफ़ी बढ़िया मुझे लग रहा है। तो यहाँ से हम किसी भी डिवाइस को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे रीस्टार्ट करना हो, अपडेट करना हो, सेटिंग बदलना हो, तो वो भी आप यहीं से कर सकते हो। यहाँ पर एक स्ट्रीम का ऑप्शन आ रहा है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, रिकॉर्ड्स का ऑप्शन आ रहा है। स्ट्रीम वाले ऑप्शन में यहाँ पर कैमरे का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपनी डिवाइस के कैमरे को सिलेक्ट कर सकते हो, इंटरनल कैमरा, बैक कैमरा, जो भी आपको सेटिंग करनी हो वो आप कर सकते हो। अब यहाँ से अगर आपको कैमरे को चेंज करना है तो पहले हमें इसकी लाइव फीड को यहाँ से स्टॉप करना होगा। मैंने यहाँ से इसे स्टॉप कर दिया। उसके बाद यहाँ कैमरा वाले ऑप्शन में आप देख रहे हो, यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अभी हमने इंटरनल बैक कैमरा सिलेक्ट कर रखा है, मान लो मैं चाहता हूँ इंटरनल फ्रंट कैमरा अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना, तो वो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मान लो मैं इंटरनल फ्रंट कैमरा मैंने यहाँ से कर दिया। उसके बाद स्कैन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप स्कैन सिलेक्ट कर सकते हो, प्रोग्रेसिव रखना है या फिर इंटरलेस्ड रखना है, ये भी हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा रेजोल्यूशन अगर आपको अपनी लाइव स्ट्रीमिंग का यहाँ चेंज करना वो आप कर सकते हो, 720p, 1080p या 4K, जो भी आपको रखना है वो भी आप यहां सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो मैं यहां से 720p यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां से आप कोडेक भी सिलेक्ट कर सकते हो, H.264 रखना है या फिर H.265 रखना है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहां से आप FPS वैल्यू अगर चेंज करना चाहो तो वो भी आप यहां से कर सकते हो। इसके अलावा बिटरेट अगर चेंज करना हो तो बिटरेट के सारे ऑप्शन यहां मिल जाते हैं, वो भी आप यहां से सेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और उसके बाद सिंपल आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना होता है। तो आप अप्लाई पर क्लिक करोगे, हमारी ये सारी सेटिंग रिमोटली हमारे मोबाइल फोन में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। अब हमारा कैमरा यहाँ पर चेंज हो चुका होगा, अब आप देख सकते हो हमारा कैमरा यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर इस तरह से बहुत ही आसानी से सारी सेटिंग्स आप रिमोटली कर सकते हो। और वापस से आपको कैमरा को बैक कैमरे में चेंज करना हो तो सिंपल यहाँ पर मैं इसे स्टॉप करूंगा, उसके बाद इसे मैं कर दूंगा इंटरनल बैक कैमरा, उसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर दूंगा, और उसके बाद फिर से यहाँ पर प्ले करेंगे इसे, तो अब आप देखोगे हमारा बैक कैमरा, हमारे मोबाइल फोन पर बैक कैमरा आ चुका है। यहाँ से किसी भी डिवाइस की सेटिंग्स को रिमोटली चेंज किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ ऑप्शन आ रहा है सेशंस का, इस पर आप क्लिक करो, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल, आपको क्या रखना है, बेस्ट क्वालिटी रखनी है, लाइव रखना है, एवरेज रखना है, या फिर रिकॉर्ड रखना है, रिकॉर्ड एंड प्ले रखना है, वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहां पर बेस्ट क्वालिटी सिलेक्ट कर रखा है। इसके अलावा फ्लुएंसी का ऑप्शन आता है, लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी, वो भी हम यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहां से हम मोड सिलेक्ट कर सकते हैं, बॉन्डिंग मोड रखना है या फिर रिडंडेंसी मोड रखना है, वो भी हम यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है आउटपुट का, तो यहां से हम आउटपुट सिलेक्ट कर सकते हैं, आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3, यानी जो हमारे पहले मोबाइल फोन की जो लाइव फीड आ रही है इसको हमें किस आउटपुट में रखना है, तो आप इनमें से किसी भी आउटपुट में रख सकते हो, आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3, और उसके बाद सिंपल आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना होता है, तो सारी सेटिंग्स हमें यहां पर इसकी मिल जाती हैं। इसके बाद स्ट्रीम के बाद ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट पर आप क्लिक करोगे तो यहां से अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो उसकी सेटिंग्स भी आपको यहां पर मिल जाती है। ऐड के बटन पर आपको यहां पर क्लिक करना है, तो यहां आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, कस्टम RTMP पर क्लिक करना है। मान लो मैं YouTube पर लाइव करना चाहता हूं, तो यहां पर मैं YouTube का RTMP URL यहां पर पेस्ट कर दूंगा, और उसके बाद यहां पर मैं स्ट्रीम की पेस्ट कर दूंगा, और उसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर दूंगा। तो अब हमारी YouTube की लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप यहां पर कंप्लीट हो गया। कस्टम RTMP
आरटीएमपी हमने यहाँ पर ऐड कर दी है। अब एक्सपोर्ट लिस्ट में आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी कस्टम आरटीएमपी दिखाई दे रही है, स्टीम यूआरएल, स्टीम की यहाँ पर हमारी दिखाई दे रही है। अब मान लो यूट्यूब पर मुझे लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करनी है तो सिंपल मैं यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करूँगा, और जैसे ही मैं यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करूँगा तो हमारी ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो डायरेक्ट हमारे यूट्यूब के लाइव कंट्रोल रूम पर दिखाई देने लगेगी। यूट्यूब पर हमारी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो हमारे यूट्यूब के लाइव कंट्रोल रूम पर हमारी डिवाइस की फुटेज आनी स्टार्ट हो चुकी है, लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ से आप लाइव स्ट्रीमिंग को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मल्टी स्ट्रीमिंग करना तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। आप फिर से ऐड के बटन पर क्लिक करो, अगर आपको दूसरी कोई कस्टम आरटीएमपी ऐड करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। आप चाहते हो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के आउटपुट को आप अपने ओबीएस में लेके आना या फिर वीमिक्स में आपको लेके आना है तो यहाँ पर आपको एसआरटी का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो आप यहाँ से कस्टम आरटीएमपी के थ्रू डैशबोर्ड से लाइव कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो डायरेक्ट फेसबुक या यूट्यूब पर लॉगिन करके लाइव स्ट्रीमिंग करना तो वो आपको डिवाइस से जाके करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको डिवाइस पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर जो एरो आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसमें आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विच, टेलीग्राम, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। मान लो फेसबुक पर आपको लाइव करना है तो आपको फेसबुक यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और फेसबुक में आपको यहाँ से लॉगिन करना होगा। यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप करने के बाद इसे आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है कॉपी फुल एक्सपोर्ट यूआरएल, यहाँ से कॉपी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन आ रहा है एड एक्सपोर्ट लेवल, यानी इसका कोई नाम अगर आपको देना है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। इसे क्लिक करो, यहाँ पर कोई भी नाम आप दे दो, यहाँ से आप एक्सपोर्ट लेवल सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी लेवल आप इसका यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ से आप सेव कर दो, यहाँ से आप एक्सपोर्ट को एडिट करना चाहते हो एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, डिलीट करना चाहते हो डिलीट का ऑप्शन है, इसे ऑन करना है ऑफ करना है वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। ओमनी स्ट्रीम डैशबोर्ड के अंदर आपको ब्रॉडकास्ट की सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइसेस इंफॉर्मेशन, बिटरेट चार्ट, लोड चार्ट। सबसे पहले डिवाइस इन्फो पर जब आप क्लिक करोगे तो आपकी डिवाइस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगी। डिवाइस क्या है, आपकी डिवाइस का नाम, प्राइमरी कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है, वो ऑप्शन आ जाएगा। बैटरी स्टेटस क्या है वो आपका यहाँ दिखाई देगा। आपकी डिवाइस का टेम्परेचर क्या है वो यहाँ शो हो जाएगा। प्रोवाइडर क्या है, तो यहाँ पर जो हमारा वाईफाई है, एयरटेल है, वो दोनों यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नेटवर्क कौन सा है, 2.4 GHz दिखा रहा है। इसके अलावा सिग्नल स्ट्रेंथ क्या है वो आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी। अगला ऑप्शन आता है बिटरेट चार्ट का, तो यहाँ पर बिटरेट चार्ट पर आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको अपनी लाइव स्ट्रीमिंग का सारा स्टेटस दिखाई देगा, जो भी स्पीड वगैरह होगी वो दिखाई देगी, कि आपका जो सिम है वो डेटा कितना यूज़ हो रहा है, आपका वाईफाई का डेटा कितना यूज़ हो रहा है, उससे कितनी स्पीड आ रही है, वो सब आप यहाँ चेक कर सकते हो। इसके अलावा 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ पर 1 मिनट कर दे रहा हूँ तो 1 मिनट का आप यहाँ पर देख सकते हो कि पिछले 1 मिनट में कैसा रहा, क्या स्पीड रही, कौन से नेटवर्क पर ज़्यादा लोड पड़ा, वो सब आप यहाँ देख सकते हो। 5 मिनट पर अगर क्लिक करोगे तो इस तरह से सारा आपको यहाँ पर ग्राफिकल फॉर्म में, यानी ग्राफ में आपको ये सब देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है लोड चार्ट। लोड चार्ट में बेसिकली हमें पता लगता है कि कितना लोड कौन से नेटवर्क पर पड़ रहा है। यहाँ आप देख सकते हो ये हमारा वाईफाई नेटवर्क है जो ब्लू कलर में शो हो रहा है, और रेड कलर में हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है यानी जो सिम डेटा है वो हमारा यहाँ पर कैसे इस्तेमाल हो रहा है, वो रेड कलर में शो हो रहा है, वाईफाई का ब्लू कलर में शो हो रहा है। यहाँ से आप देख सकते हो अगर कोई नेटवर्क ड्रॉप हो जाता है तो डैशबोर्ड आपको तुरंत अलर्ट भेजता है। यहाँ पर आप देख रहे हो अलर्ट सेक्शन दिया गया है, यहाँ से आपको तुरंत अलर्ट मिल जाता है। कोई सा नेटवर्क अगर डाउन हो रहा है तो उसका मैसेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा, किसी नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूरा अलर्ट्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आपकी लाइव स्ट्रीमिंग एंड हो गई, उसके बाद आपने पूरी प्रोग्रेस चेक करनी है तो वो भी आप यहाँ चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको कंप्लीट लॉग्स देखने को मिल जाते हैं कि किस समय आपकी स्पीड क्या थी, किस समय किस डेटा पे ज़्यादा लोड था, वो सारी डिटेल आपको यहाँ लाइव लॉग्स के अंदर देखने को मिल जाती है। ओमनी स्ट्रीम डैशबोर्ड में एक और भी कमाल का फीचर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हो मैप का बटन दिया गया है, मैप के बटन पर क्लिक करके आप किसी भी डिवाइस की लोकेशन को ट्रेस कर सकते हो, चेक कर सकते हो। मैप पर क्लिक करो, अब यहाँ पर आप देखोगे आपकी जितनी भी डिवाइसेज हैं उन सब डिवाइसेज की लोकेशन आपको गूगल मैप पर लाइव दिखाई देगी, बिल्कुल करंट लोकेशन आपको दिखाई देगी। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपकी कौन सी डिवाइस कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है,
इसके बाद यहाँ पर इनवाइट गेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। इनवाइट गेस्ट पर क्लिक करके आप अपने किसी भी गेस्ट को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, ओमनी स्टीम डैशबोर्ड को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है और कमाल के फीचर्स हमें इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। हम अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को ओमनी स्टीम एप्लीकेशन के थ्रू, जो लाइव स्ट्रीमिंग है, उसे रिमोटली पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका ओमनी स्टीम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।